नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। पूरी दुनिया में कोरोना से हाहाकार मचा है और अब तक पूरी दुनिया में लगभग 5,36,842 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही पूरी दुनिया में संक्रमित लोगों की संख्या 1,15,00,000 हो गई। इसके साथ ही साथ अच्छी बात यह है कि अब तक 65,00,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। 44,84,000 एक्टिव केसेस हैं, यानी कि कोरोना से संक्रमित इन लोगों का इलाज जारी है। अमेरिका अभी भी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में सबसे ऊपर है। यहाँ अब तक 29.81 लाख लोग संक्रमण के शिकार हो चुके हैं, जबकि 1,32,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ब्राजील में भी कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है। ब्राजील में अमेरिका के बराबर केस और मौतें दर्ज की जा रही। ब्राजील में कुल 16,00,000 लोग वायरस से संक्रमित हैं। ब्राजील के बाद रूस और भारत में संक्रमितों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही। अमेरिका में कोरोना के मामले 29,81,009, अमेरिका में मौत 1,32,552। ब्राजील में कोरोना के मामले 16,04,585, ब्राजील में मौत 64,900। भारत में कोरोना के मामले 6,97,836, भारत में मौत 19,700। रूस में कोरोना के मामले 6,81,251, रूस में मौत 10,161। इसके साथ ही साथ स्पेन, यूके, इटली, भारत, पेरू, चिली, ईरान, मेक्सिको, पाकिस्तान, टर्की और अरब में कोरोना मामलों की संख्या 2,00,000 के पार हो चुकी। वही जर्मनी और साउथ अफ्रीका में भी 1,90,000 से ज्यादा मामले सामने आए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक शक्ल अख्तियार करता जा रहा है कोरोना और कैसी स्थिति है दुनिया की।